हाय एवरीवन, कैसे आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। सर, एक अच्छी न्यूज़। पिछले 2-3 दिन से ऑप्शन चेन हमारा निफ्टी का, एनएससी की वेबसाइट का क्या हो रहा था, डेटा नहीं आ रहा था। आज देखो टाइम पे आ गया। क्यों आ गया? सेलिंग थम गई बॉस। अब ऑप्शन चेन की एनालिसिस करते हैं। पहले 17,300 एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, 17,100 एक सपोर्ट का काम करेगा। 17,210 के ऊपर अगर आपकी निफ्टी ट्रैवल करती है तो अगेन हम आपको 330 360 के लेवल्स को टच करते दिखेंगे। मोर ओवर एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने शायद इससे पहले एक दो वीडियो पहले बात की हुई है। अगर हम यहां से वन साइडेड मूव जो आया था उसका हम पकड़े तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 618 गोल्डन रेशियो उतना रिट्रेसमेंट हो चुका है, और एक हेल्दी करेक्शन हमें चाहिए था मार्केट को ऊपर पहुंचाने के लिए। मैंने ये भी बोला था ये वाले दिन ही कि भाई अब लग रहा मुझे सेलिंग थम जाएगी और एक रिकवरी आ सकती है आज और कल में, बट अब मुझे ये लग रहा है कि सेलिंग जो है थम गई और अभी के लिए ये महीने के लिए ये बॉटम आउट हो जाएगा और ऊपर की तरफ थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो जाए अपना, राइट। अब कल अगर फ्लैट खुलता है मेरे भाई, ट्रेड नहीं लोगे? कब तक नहीं लोगे? जब तक ये 210 के ऊपर सस्टेन ना हो जाए, 210, 215 जो भी लेवल है उसके ऊपर सस्टेन ना हो जाए, वो हो गया तो आपको 300 के लेवल से आपको निफ्टी दिखा देगा। नीचे की तरफ 1760 नहीं बॉस, 17,000 के नीचे जाना चाहिए, 16,990 के नीचे ही सेल का सोचना, नहीं तो नहीं सोचना है। क्योंकि कल क्या है, एक्सपायरी एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग के हाई चांसेस है। एनी डिक्लाइन और पैनिक मेरे भाई, सिर्फ बाई का सोचना। अगेन कह रहा हूं, बाई का सोचना। सेलिंग प्रोबेबली नहीं होगी अनलेस एंड अंटिल भाई 99% तो होगी नहीं, 1% अनसर्टेनिटी जैसा यहां पे टॉप पे जाके पलट गई थी कोई ना कोई न्यूज फ्लैश करके, वो बात अलग है। अदरवाइज एनी डिक्लाइन और पैनिक, बाई बाई बाई, नो सेल एट ऑल। अच्छा मजे की बात, अगर तुम अगले वीक की ऑप्शन बाई कर लेते हो फॉर एग्जाम्पल, और क्लोजिंग 360 के ऊपर दे दी ना, होल्ड कर लेना मेरे भाई, होल्ड कर लेना, फ्राइडे को अच्छा मूव दे देगा आपको, ठीक है। अब बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चार्ट को मैं देखूं तो 36,500 पहला रेसिस्टेंस है, 36,000 सपोर्ट बना हुआ अभी, मतलब कि 36,000 सपोर्ट बन गया। एंड बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो आज इसके जो सपोर्ट जोन है वहां से ही बाउंस किया बॉस। अब एक ही प्रॉब्लम है, क्या भाई? ऊपर तो लगेगा जाएगा, मैंने बोला भी था बीटीएसटी ले लो बैंक निफ्टी, ऊपर तो लग रहा जाएगा, और मैंने आशा आपको दिया भी था कॉल बैंक निफ्टी का टेलीग्राम पे भी। प्रॉब्लम एक जगह आएगी, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना बॉस, अगर मैं इसको पीछे करूं, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है वहां से, ये एक बहुत बड़ा हर्डल का काम करेगी। ये डेटा फेंको, ये काम का नहीं है बॉस, काम का डेटा ये, काम का डेटा ये है। क्या है वो? है हमारी ट्रेंड लाइन। अब वो ट्रेंड लाइन कहाँ आएगी वो भाई तुम मार्क कर लेना, टॉप टू हाई, दो स्विंग हाई मार्क करके खींच देना। अब पहला हर्डल जैसे कि हमने चार्ट पे देखा 36,500 का, क्या आपका चार्ट लेवल भी वही आ रहा है क्या? हाँ हमारा लेवल भी वही आ रहा है 36,500 का। अब अगर 36,500 के ऊपर ट्रैवल करता है आपकी बैंक निफ्टी, पहला टारगेट 150 पॉइंट, दूसरा टारगेट उसके ऊपर कितना और 150 पॉइंट, 150 भी नहीं सॉरी 200 पॉइंट, 36,900। और अगर बात करें
अगर ये ऐसा खुलता है तो यहीं कहीं आएगा, 700 के पास आएगा, और 700 से यहाँ से पलटा था तो ये भी एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि ट्रेंड लाइन की भी वहीं लगेगी। अगर ये दोनों मेरे भाई सस्टेन हो जाते हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्ट कवरिंग। अब शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि सीधी सी बात मेरे भाई, ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गए हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर हम देखें निफ्टी का पीसीआर क्या चल रहा है अभी, आप देखो तो क्या चल रहा है। ठीक है, निफ्टी का पीसीआर ठीक ठाक बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी न्यूट्रल ही बता रहा है, ओवरसोल्ड तो नहीं बता रहा है, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्ट कवरिंग, ऐसा मुझे लग रहा है भाई। बाकी आपके सामने लेवल्स है, आपके सामने ऑप्शन चेन है, आपके सामने मूवमेंट है, और क्या चाहिए। बाकी एक बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी दे दूंगा, 1000 सब्सक्राइबर कर दो, प्यारी स्ट्रेटेजी है बॉस, कमाओगे पक्का, पैसा तो बनेगा भाई। सिंपल, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है बैंक निफ्टी की, पैसा बना के देगा, राइट। और निफ्टी की भी, आई मीन इंडेक्स के लिए बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी है, 3 मिनट की, पैसा बनेगा। चाहिए तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ, शेयर करो वीडियो को, अच्छी चीजें दो लोग को, ठीक है ना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।